है तब तक मिट्टी जाए नदिया में, जब तक योगी इंसाफ न दे है, क्योंकि योगी सरकार रहे और फतुहा जारी भरा है कलेश और आजम खां के जमाने से, तब कोई अंगुरी नहीं लगा पाए से, और योगी की सरकार में हमारे बेटा का मरवाए डरे नहीं योगी, हिंदू हुई के मरवा डरा नहीं योगी, हम योगी पर थोपी भी योगी, हमें हमका इंसाफ दे आए। वारदात के वक्त एक आखिर में कुसुम जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बड़ा इल्जाम लगा रही हैं मुख्यमंत्री पर कि आप जलते पहले थे। मारा एक सवाल आप पूछिए जी, बोलिए। नहीं, एक सवाल मेरा पहले सुनिए जी, पहले मेरा एक सवाल सुनिए जी, सुनिए। हिंदू मुसलमान का शब्द आपने उठाया, हमने नहीं उठाया, आपने उठाया जी, तो हमको गुमराह कर रहे हो, जब हम कहते हैं कुछ नहीं, अब तुमको जवाब देंगे जी, आपने उठाया, हमने नहीं उठाया, और फिर आपने क्या कहा कि आप हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहते, नहीं, क्या चाहते हो आप लोग? मैंने ये नहीं कहा, पागल समझ रखा हमको देखो। कुसुम जी आपकी भावनाओं से कहते हो कि हिंदू मुसलमान पहले हुआ था, और फिर हमसे कहते हो हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहती हो। एक चीज बताइए, आपने एक बड़ा इल्जाम लगाया माननीय कुसुम जी कि योगी जी उनसे जलते थे, पर योगी जी तो खुद हिंदू सभी के नेता है, योगी जी क्यों जलते रहे होंगे कमलेश से? पहले आप पूछते हैं, फिर कटहरे में खड़ा कर देते हैं लाके हमको, खेलना खेल खेलना बंद कर दो। योगी जी क्यों जलते थे कमलेश? खेल खेलना बंद कर दो, आपने ऐसा क्यों कहा? तुम लोगों से बहुत सीख गए हैं, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, जनता के खिलाफ बोल सकते हो तो बोलिए खुशी से, और किसने मना किया बोलिए, सरकार के खिलाफ बोलोगे चैनल बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से तो हम लगातार सवाल कर रहे हैं, और हम इसीलिए आपको मंच पर लाइव बिठा के ये जानना चाह रहे हैं आपसे। मेरे ख्याल से बात नहीं करना चाह रही हैं कुसुम तिवारी अब, लेकिन हमारे एक शर्त नहीं मां पर मानी गए कि हाँ काम बोले उनसे पूछी गए, अरे हम फोटो नहीं उतरे ऐसे दिखाओ, ऐसा पूछो तो बताइए, यही के हैं शिवकुमार गुप्ता, हाँ ठठेरी के माफिया है, माफिया 500 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो माफिया है उनसे, क्या रंजिश थी आपके बेटे की? माता जी हमसे उनसे रंजिश, आपके बेटे की, आपके बेटे की, हमारे इसकी, हाँ ये मंदिर ये मंदिर है, अध्यक्ष सुकुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बन के हर जगह लिखते हैं, मुकदमा भी दायर कराया, मुकदमा उन्हीं से चलता है, उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली, भारतीय जनता पार्टी की योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया, लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम शिवपाल गुप्ता को मार डालेंगे, काट डालेंगे, इसको आगे कर दिया।